हेलो नमस्ते फ्रेंड्स, मेरा नाम है राहुल नेगी और मैं आपको आज उत्तराखंड के बारे में फैक्ट बताने जा रहा हूँ। और वीडियो देखने से पहले हमारा चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक। तो फ्रेंड्स, उत्तराखंड को देवभूमि उत्तराखंड के नाम से जाना जाता है। यह कई ऋषि महर्षियों की तीर्थस्थली रही है। उत्तराखंड में चार धाम है और यही सही तीन पावनी गंगा का उद्गम स्थल होता है। उत्तराखंड राज्य सन 2000 में अस्तित्व में आया। पहले यह उत्तर प्रदेश का भाग था, उसके बाद कई हमारे शहीद आंदोलनकारियों ने इसे पृथक राज्य की मांग की। अब मैं इसके कुछ महत्वपूर्ण राज्य चिन्हों के बारे में। तो फ्रेंड्स, आप उत्तराखंड का मैप ये देख रहे हैं, इसमें 13 जिले अंकित हैं और इसकी सीमाएँ भी उत्तर प्रदेश से सटी हैं, कोई चीन बॉर्डर नेपाल और पंजाब से भी सटी हैं। यह उत्तराखंड का राज्य वृक्ष बुरांस है। यहाँ बुरांस का पेड़ 1000 से 1500 की ऊंचाई पर मिलता है। यह लाल रंग का होता है, इसके अंदर शहद होता है तथा इसलिए साल में एक ही बार फूलता है और इसके पुष्प बहुत लाल होते हैं और बहुत ही मनमोहक होते हैं। और यह मीठा होता है बहुत और इसका जूस बनता है जो सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और यह उत्तराखंड का राज्य पुष्प ब्रह्म कमल है, इसे गढ़वाल में ब्रह्म कमली कहा जाता है। यह बहुत ही हिमालयन वृत्त हिमालयी क्षेत्रों में मिलता है। यह पुष्प बहुत ही दुर्लभ होता है और इससे एक प्रकार की सुगंध भी निकलती है। ये पुष्प बहुत ही दुर्लभ होता है जिसके कारण इसे राज्य पुष्प का दर्जा प्रदान किया गया है। तो उत्तराखंड के राज्य चिन्ह में हम देखेंगे, सबसे ऊपर होती है अशोक की लाट जो शौर्य का प्रतीक होती है। यह हमारे भारत के राष्ट्रीय चिन्ह से लिया गया है और उसमें तीन पर्वत श्रृंखलाएं दिखाई दे रही हैं जो उत्तराखंड के भौगोलिक स्वरूप का वर्णन करती है। और उसके नीचे तीन गंगा की लहरें दिखाई देती हैं जो कल कल करती नदियों के बारे में वर्णन कराती है। इस चिन्ह का निर्माण 9 नवंबर सन 2000 के बाद भी हुआ था जब राज्य अपने पूर्ण स्वरूप में आया था। यह उत्तराखंड का राज्य पक्षी मोनाल है। यह इसे गढ़वाली तथा स्थानीय भाषा में मुनियाल कहा जाता है। इसके सिर में एक कलगी होती है तथा यह रंग बिरंगा होता है। यह दुर्लभ प्रजाति का भी है लेकिन यह उत्तराखंड में हर जगह मिल जाता है। यह देखने में ही बहुत मनमोहक होता है। यह उत्तराखंड का राज्य पशु कस्तूरी मृग है, इसे कस्तूरी मृग कहा जाता है। यह हिरण के जैसा होता है। यह मध्य हिमालयी क्षेत्रों में भी पाया जाता है। इसे इसकी नाभि से एक प्रकार की सुगंध निकलती है जिसे कस्तूरी सुगंध कहा जाता है। यह अपनी सुगंध को पूरे चारों ओर जंगल में ढूंढता रहता है लेकिन उसकी नाभि में ये सुगंध होती है और